गोरी की इस हरकत से हंस पड़ी है सुम्बुल। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि गोरी न गोरी ने क्या ऐसी हरकत कर दी है जिसके बारे में जानकर आप भी काफी ज्यादा हंसने जरूर लग जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गोरी नगोरी आपको कैसी लग रही है बताइए जरूर। गोरी नगोरी को लग रहा है कि वो गेम बहुत अच्छे से समझ रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि गोरी जो है बहुत अच्छे से गेम को समझ रही है और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जो है बाहर की दुनिया में हो रही है? क्या है आपके विचार कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। गोरी जो है वो खाना बना रही थी जहां पर उसने सुम्बुल को ये चीज बताया कि घर में लहसुन जो है कम हो चुके हैं, जिसके बाद टीना ने जो मसाला बनाया था वो मसाला उसने यूज कर लिया है। इसके बाद जो है गोरी की यही हरकत के बारे में जिक्र करती हुई सुम्बुल टीना के सामने नजर आई, जहां पर वो टीना को बोलती है कि गोरी बोल रही है कि लहसुन जो है खत्म हो गया है, टीना ने इतना सारा मसाला बनाया है, वही मसाला जो है मैं दाल में तड़के में यूज कर लेती हूँ और वही मसाला मैं डाल देती हूँ। जहां पर टीना बोलती है कि वो पागल है, वो ड्रामा कर रही है यहां पर, और वो मसाला तो चिकन मसाला था। तो ये बात जैसे ही टीना दत्ता बोलती है तो वैसे ही सुम्बुल हंस पड़ती है और हंसते हुए बोलती है कि बाबा अब तो उसने ये मसाला जो है चिकन मसाला जो है दाल में डाल दिया है, अभी जो वेजिटेरियन लोग हैं वो आखिरकार दाल कैसे खाएंगे, अभी तो बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली है। हालांकि गोरी ने जो है बहुत ही अलग चीजें कर दी है, क्योंकि घर में जो है वीगन है, यानी कि सौंदर्या, और सौंदर्या जो है चिकन को टच तक नहीं करती है, और अगर चिकन का मसाला दाल में डला हुआ तो वो दाल नहीं खा पाएंगे, उनके लिए खाना जो है घर में होगा नहीं, जिसके कारण घर में लड़ाई भी हो सकती है। हालांकि अभी गोरी न गोरी के बारे में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं तो प्लीज उसके बारे में जवाब देते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।